इधर कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। न्यूज 11 भारत से बातचीत में मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने कहा कि फिलहाल दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर सरकार चिंतित है। उन्होंने जनता से लॉकडाउन के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। मुख्य सचिव से बातचीत की संवाददाता शहनवाज अख्तर ने थोड़ी देर पहले कैबिनेट सेक्रेटरी दिल्ली के साथ सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संपन्न हुई है और जाहिर है चर्चा हुई होगी जनहित के लिए क्या है। और इत्तफाक की बात है, खुशनसीबी की बात है कि हमारे जो मुख्य सचिव हैं वो एक डॉक्टर भी हैं। तो बीइंग ए डॉक्टर और मुख्य सचिव दोनों के नाते हम जनता से संवाद आपका स्थापित करा रहे हैं कि किस किस तरह की सावधानियां इस स्टेज में बहुत क्रूशियल किस तरह से। तीन चार पॉइंट बताएंगे जो कि हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं जिसकी ओर। पहली बात तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने और भारत सरकार ने इस राज्य को बहुत बधाई दी कि मेनलैंड भारतवर्ष में पूरे इंडिया में सिर्फ यही एक ऐसा राज्य है जो अभी कोरोना से अछूता है। और उसका प्रमुख कारण यह है कि इस राज्य ने बहुत प्रारंभ से तैयारी शुरू कर दी। जो प्रिवेंटिव एक्शन था वो हम लोगों ने बहुत पहले से लिया और सारे फ्रंट्स पे लिया। इसके बावजूद कि करीब 30,000 श्रमिक हमारे विभिन्न राज्यों से आए और उन सब की जाँच कराना, उनका क्वारंटाइन कराना, उनकी व्यवस्था कराना। अब हमें दो तीन समस्याएँ जो हमारे साथ हैं इस समय। एक तो हम लोगों ने बात की कि हमारे जो श्रमिक, हमारे झारखंड के लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं वो बड़ी समस्या में हैं। उनको खाने पीने की, रहने की भी समस्याएं हो रही हैं। तो मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को और सरकार को ये निर्देश दिया है, कैबिनेट सेक्रेटरी ने, कि भारत सरकार ने ये निर्देश दिया है कि वो इस तरह के जो श्रमिक हैं उन सब की व्यवस्था वही राज्य सरकारें करें। और इसके अलावा हमको कुछ एसेंशियल सप्लाईज बिल्डअप करना है अगले वाले फेज़ के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर। तो उसके लिए हम लोगों ने जो अप्रूव किया है करीब करीब 26-27 प्रकार की इक्विपमेंट्स को अप्रूव किया है अलग अलग संख्या में। वो हमने भारत सरकार से, उनके संस्थान है HLL, उनसे डिमांड किया है। तो उसके मामले में हमने कहा कि भाई इसको भी हमें दिया जाए। तो यद्यपि सभी राज्यों ने डिमांड किया है, उस पर मामले में भी अच्छी चर्चा हुई कि यथासंभव वो जल्दी से जल्दी उसको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हम लोग पूरी तरह से तैयारी रखें। और अगर ये मेहनत जारी रही तो मेरा विश्वास है कि झारखंड कोरोना फ्री रहेगा, हमेशा रहे, इसकी कामना करते हैं। एक संदेश जनता को, जो घर के अंदर लोग बंद हैं, घर में भी तो लोग नजदीक नजदीक हो जाते हैं, माने किस तरह से लोग डील करें? मेरा सिंपली विनम्र करबद्ध प्रार्थना यह है कि इस मामले में सिंपली कुछ कठिनाई भी हो, आपको अंधेरे में भी थोड़ी देर रहना पड़े, आपको सिर्फ चावल खा के रहना पड़े, चाय दाल, लेकिन घर से ना निकले। हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर बाहर निकलना भी हो अगर आपको, तो एक व्यक्ति निकले और कम से कम तीन मीटर की दूरी पर रहे, कम से कम 2 मीटर की दूरी पर जरूर रहे और तब जाके सामानों को खरीदे। ये थे राज्य के मुख्य सचिव, जो एक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर डीके तिवारी। उन्होंने कई इंतजाम का जिक्र किया, केंद्र के साथ समन्वय का जिक्र किया और ये बात बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने बता दी कि कोई भी लेबर, कोई भी व्यक्ति जहाँ जिस राज्य में फंसा है अभी, वहाँ की सरकारें उनका ख्याल रखेंगी, उनका तत्काल आवागमन संभव नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ को झारखंड तक, आप तक लाने के लिए सरकार कितनी प्रयासरत है। कैमरामैन देवाशीष के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।